अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम जो आपके साथ रेसिपी लेकर आए हैं वो है कैंडी, जो कि बहुत ही सिंपल, इजी और मज़े की है। तो आज की सबसे मज़े की बात ये है कि जो कैंडी जो बनाएगी ना, वो है हमारे घर की लिटिल फेरी दुआ क्रीम। तो चलिए हम दुआ से पूछते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। दुआ अब हमें बताएंगे कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए क्रीम, शुगर एंड एलमंड। हमने एलमंड लिया है कैंडी को डेकोरेशन करने के लिए। तो अब शुरू करते हैं। अब हमने पैन ले लिया था, तो अब मैंने इसमें क्रीम डाल दी और अब हम इसमें साथ ही शुगर डालेंगे। अब मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है और अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो अब देखिए, आप मैं ये राम राम से मिक्स कर रही हूँ और हमने आराम से ही मिक्स करना है। जब तक इसका कलर डार्क नहीं होता ब्राउन, तब तक हमने इसको चूल्हे से नहीं हटाना। तो जी, आपने दुआ की रेसिपी सुनी कि वो क्या कह रही थी। तो आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहना है जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं होगा और जब तक ये थिक नहीं होगी, ठीक है। तो आराम आराम से आप लोगों ने इसको मिक्स करते रहना। तो चलिए हम दुआ से पूछते हैं कि उसकी कैंडी कहाँ तक पहुँची है। दुआ बताइएगा कि आपकी कैंडी कहाँ तक पहुँची है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता बबल्स भी बने हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता थिक भी हो रही है। अच्छा, इसी तरह इसको मिक्स करते रहेंगे हम लोग और जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं होगा तब तक हमारी कैंडी रेडी नहीं होगी। तो अभी आप लोग इसको मिक्स करते रहें आराम आराम से। तो जी, आप लोग देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन भी हो रही है और थिक भी होने शुरू हो गई है। तो जी, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ब्राउन हो गई और इसी तरह ये ब्राउन होनी चाहिए थी। और इसमें ऑयल है, हम ऑयल को अलग से स्टेन कर लेंगे और इसको प्लेट में डाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जी, ये हमारी कैंडी की फाइनल लुक है। तो जी दुआ, आप अपने इसके ऊपर एलमंड डाल दें। इसके ऊपर हम अपने सारे एलमंड डाल देंगे। तो अब हम अपनी कैंडी को फ्रिज में रख देंगे और बाद में हम अपनी कैंडी को निकाल के मिल बांट के खाएंगे। तो आई होप आपको ये दुआ की छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की और यम्मी कैंडी होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप दुआ की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से भी सबको अल्लाह हाफिज़।